जी एस एम जोन में सभी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में जैज़ सुपर 4G विंगल मौजूद है और हमारी जो आज की वीडियो है इसकी अनलॉकिंग के बारे में है। दोस्तों, हम आज जैज़ की सुपर 4G विंगल को अनलॉक करेंगे और जो इसका सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री आप लोगों को गिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों, बिला किसी ताखीर के आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को एक बार ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आई क्लाउड के बारे में है, वो भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो तमाम वीडियो हम प्राइवेट रखेंगे ताकि हमारे सब्सक्राइबर ही उनसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हम जितने भी सॉफ्टवेयर हैं अब आपको फ्री गिफ्ट करने लगे हैं लेकिन वो हमारे सब्सक्राइबर तक ही पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, बहुत ही आसान है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम सिम एक बार, ये आप देख रहे हैं कि ये टेलीनॉर की सिम है, हम इसमें डाल देते हैं और उसके बाद हमने ये आपके पास रीसेट का बटन होगा, आप थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ, ये आपके पास जो है ये रीसेट का बटन है। आपने ये बटन प्रेस करने के बाद प्रेस करके रखना है और उसके बाद अपने कंप्यूटर में लगा देना है। जैसे ही रेड लाइट जले आपने इसको छोड़ देना है। अभी ये डाउनलोड मोड पे नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर इसको डाउनलोड मोड पे, तो दोस्तों अब ये हमारी जो रेड लाइट है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, ये रेड लाइट जब जले तो ये डाउनलोड मोड पे आ जाएगी। तो हमारी जो विंगल है ये डाउनलोड मोड पे आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इसको सॉफ्टवेयर को अनजिप करना है। हमारा जो पासवर्ड है वो आप सभी लोग जानते हैं, राना स्पेस ठीक था। तो आप देख रहे हैं कि हमने पासवर्ड लगा दिया है, अब हम करते हैं ओके और जो हमारी सॉफ्टवेयर का ये अनजिप हो चुका है सॉफ्टवेयर, अब हम इसको करते हैं ओपन। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम सबसे पहले ADB ये ड्राइवर जो हैं हमारे पास विंगल के, इसके अपने ही स्पेशल ड्राइवर हैं, ये हम इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, इनको कैसे इंस्टॉल करना है थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर है, ये आपने यस करना है और एंटर करना है। मैं यस टाइप करता हूं और एंटर करता हूं, देन आपने एक बार फिर यस टाइप करना है और एंटर करना है, तो अगेन आपने यस और एंटर। तो अब आपके पास ये नेक्स्ट मांगेगा तो आपने नेक्स्ट करते जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे तो जो आपका ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसा कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है तो लीजिए ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है, अब हमने इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक सेकंड में ही इंस्टॉल हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है या नहीं। आपको जस्ट इतना पता चलेगा कि हमारी जो विंगल डिवाइस है वो रीस्टार्ट हुई और ओपन हो गई। तो हम करते हैं इसको, आपने फास्ट बूट को नहीं ओपन करना बल्कि आपने, ये आप देख रहे हैं, फ्लैश पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर एक सेकंड में रन हो जाएगा। तो लीजिए हमारा सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, बहुत ही आसान था ये मैंने आपको, तो लीजिए हुआ हमारा सॉफ्टवेयर और हमारी जो विंगल डिवाइस है वो आप देख रहे हैं कि डाउनलोड मोड से खुद ही जो है वो हट गई, रिबूट हुई। हमारे पास ये आप देख सकते हैं
अब हम इसको करते हैं ओपन। हम इसको कैसे ओपन करेंगे, ये हमारे पास, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। क्योंकि इसके जो ड्राइवर हैं वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो लीजिए फ्रेंड, हमारी जो विंगल है वो अनलॉक हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये जो टेलीनॉर की सिम है ये कनेक्ट हो चुकी है। अब ये बार बार ओपन होती जाएगी और हमारे पास जो रिसीविंग सेंडिंग स्पीड है वो भी ये शो करवा रही है। तो दोस्तों आपने देखा हमने कैसे जैज़ सुपर 4G विंगल को अनलॉक किया। तो आप भी अपनी जैज़ सुपर 4G विंगल को अनलॉक कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको बिल्कुल फ्री गिफ्टेड है, आप इसे इंजॉय करें और अपनी और अपने कारोबार में इजाफा करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।